नमस्कार दोस्तों ईशु क्लासेस पे आपका स्वागत है आज और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे आज दोस्तों हम इस वीडियो में आप सब को रीजनिंग का पार्ट थ्री पढ़ाते हैं तो देखिए दोस्तों पार्ट थ्री में आप हेडिंग बना लीजिए प्रथम अध्यांश के उल्टे क्रम पे आधारित प्रश्न तो दोस्तों साथ ही आप हेडिंग बना लीजिए प्रथम अध्यांश के विपरीत क्रम पे आधारित प्रश्न तो देखिए दोस्तों साथी प्रथम अध्यास विपरीत क्रम होता क्या है इसके बारे में एक पॉइंट बता रहे हैं दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे दोस्तों तो गलती नहीं होगा ये पॉइंट देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे ये फेरियम फेरियन फिर डॉट डॉट जेड देखिए दोस्तों ये अंग्रेजी का ये प्रथम अध्यांश है देखिए दोस्तों अगर हम ए से यम तक आएंगे तो ये अंग्रेजी का होता है प्रथम अध्यांश ये दोस्तों होता है अंग्रेजी का प्रथम अध्यांश एम से अगर जेड तक आएंगे दोस्तों तो tradhält. ये होता है अंग्रेजी का द्वितीय अध्यांश ये होता है द्वितीय अध्यांश तो प्रथम अध्यांश उल्टे क्रम पर आधारित है दोस्तों प्रथम अध्यांश विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न है दोस्तों इसका मतलब जहाँ पे ई रहेगा दोस्तों वहाँ पे यम लिखेंगे और जहाँ पे यम रहेगा दोस्तों वहां पे ये लिखेंगे तो ये प्रथम अध्यांश उल्टा हो गया दोस्तों विपरीत हो गया तो प्रथम अध्यांश उल्टा हो गया दोस्तों अब देखिए दोस्तों जहाँ पे जेड है जहाँ पे एन है वहाँ पे यन रहेगा दोस्तों क्योंकि द्वितीय अध्यांश नहीं बदलना है दोस्तों प्रथम अध्यांश बदलना है तो देखिए दोस्तों द्वितीय अध्यांश नहीं बदलना है जहाँ पे एन है वहां पे एन रहेगा और जहाँ पे जेड है वहाँ पे जेड रहेगा इसका मतलब देखिए दोस्तों प्रथम अध्यांश को हम उल्टा करते हैं द्वितीय अध्यांश सेम है तो यही दोस्तों होता है अंग्रेजी वर्डमाला का प्रथम अध्यांश विपरीत तो अंग्रेजी वर्डमाला का प्रथम अध्यांश विपरीत क्या है दोस्तों जहाँ पे ए है वहाँ पे एम को ला देंगे और जहाँ पे एम है वहाँ पे ए को ला देंगे ई हो गया दोस्तों अंग्रेजी वर्डमाला का प्रथम अध्यांश विपरीत अब देखिए दोस्तों एक चीज और अंग्रेजी में टोटल ट्वेंटी सिक्स वर्ड होते हैं छब्बीस लेटर होते हैं अगर इसमें हम दो का डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों थर्टीन तेरह मिलेगा इसका मतलब अंग्रेजी, अंग्रेजी के अंग्रेजी के अक्षरों को दो पार्टों में बारह बांटा गया दो ग्रुप में बांटा गया पहला ग्रुप है दोस्तों एस से लगा कर यम तक यही होता है दोस्तों प्रथम अध्यांश प्रथम अध्यांश विपरीत अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पे यम उसके बाद जिड रहेगा इसका मतलब इधर का जो है ये द्वितीय अध्यांश है तो प्रथम अध्यांश उल्टे क्रम पे कह रहा है तो प्रथम अध्यांश को बदल देंगे दोस्तों आशा उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल ये पॉइंट आप समझ गए हैं इस पॉइंट को आप ऐसे नोट डाउन कर लें दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट आगे सवाल पे बढ़ते हैं देखिए प्यारे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है अंग्रेजी वर्ड माला के प्रथम अध्यांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा अभी देखिए दोस्तों आपको एक पॉइंट बताया है प्रथम अध्यांश विपरीत होता क्या है अब देखिए दोस्तों कह रहा है प्रथम अध्यांश विपरीत में बाएं बाएं मतलब यल से चौथा वर्ड है दोस्तों पांचवा है और दाए आठ से छठवा वर्ड है अब देखिए दोस्तों इन दोनों को जोड़ देंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों तो क्या मिल जाएगा दोस्तों इलेवन मिल जाएगा एल इलेवन अगर दोस्तों प्रथम अध्ययन अब देखिए दोस्तों एक पॉइंट बता रहे हैं एक, एक पॉइंट ये पॉइंट आप प्रथम अध्यांश विपरीत के क्वेश्चनों में ध्यान रखेंगे तभी आप सवाल को बना पाएंगे नहीं तो नहीं बना पाएंगे दोस्तों तो देखिए दोस्तों अगर प्रथम अध्यांश विपरीत का क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन होता है दोस्तों अगर हमारा आंसर जो आएगा दोस्तों अगर हमारा आंसर चौदह से कम आए अगर हमारा आंसर चौदह से कम आए अगर हमारा आंसर दोस्तों चौदह से कम आता है तो उसको हमेशा चौदह के मान में से घटाकर लिख देते हैं अगर अंग्रेजी वर्डमाला के प्रथम अध्यास विपरीत में अगर हमारा आंसर दोस्तों चौदह से कम आए तो उसको उसका आंसर हमेशा चौदह में से घटाकर प्राप्त करते हैं तो अंग्रेजी वर्डमाला में अगर हमारा अंग्रेजी वर्डमाला के प्रथम अध्यास विपरीत में अगर हमारा आंसर चौदह से कम आता है तो हमेशा चौदह में से घटा कर तो उसका आंसर कर प्राप्त करते हैं तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आया ईय एल इलेवन आया तो प्रथम अध्यांस के विपरीत का क्वेश्चन है तो चौदह में से घटा लेंगे तो जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों तीन मिल जाएगा इसका मतलब तीन पे क्या आएगा दोस्तों सी इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों सी सी मतलब ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर है दोस्तों और ये सवाल पूछा गया एस एस सी में अगर दोस्तों साथी आप ऐसे नहीं समझ पाए तो देखिए दोस्तों आपको ए बी सी डी करके बताते हैं देखिए प्रथम अध्ययन विपरीत का मतलब क्या होता है जहाँ पे ए है वहाँ पे एम रहेगा इसका मतलब यहाँ से लिख देते हैं दोस्तों ए देखिए दोस्तों प्रथम अध्यांश विपरीत में क्या कह रहा है सवाल अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यांश अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से बाएं देखिए दोस्तों इधर है बाएं से कौन था वर्ड पांचवा वर्ड है तो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव पे क्या मिला दोस्तों आर मिला है. इस अक्षर के दाहिने जाना कितना वर्ड दोस्तों छह वर्ड तो देखिए दोस्तों वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स पे क्या मिला दोस्तों तो सी मिला है.

तो उसके मान को सेम वही आंसर लिखते हैं तब घटाने वाला काम नहीं करते हैं तो देखिए दोस्तों आपको पहला पॉइंट क्या है पहला पॉइंट ये फर्स्ट पॉइंट अंग्रेजी वर्ड माला के प्रथम अध्यांश विपरीत में अगर आपका आंसर तेरह या तेरह से कम आता है तेरह या तेरह से कम आएगा दोस्तों तो आंसर प्राप्त करने के लिए चौदह में से घटा देंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा चौदह में से घटा देंगे आंसर प्राप्त हो जाएगा और यदि हमारा मान तेरह से अधिक आए तेरह से अधिक अगर यदि हमारा मान तेरह से अधिक आता है तो फिर वही आंसर लिखते हैं तो सेम वही आंसर लिखते हैं सेम आंसर लिखते हैं फिर नो no चेंजिंग कोई चेंज नहीं करते हैं दोस्तों यदि हमारा मान तेरह या तेरह से कम आएगा तो उसको चौदह में से घटा कर आंसर प्राप्त कर लेंगे यदि हमारा मान तेरह से ज़्यादा आएगा तो सेम वही आंसर लिखते हैं ये प्रथम अध्यामश विपरीत के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा नोट डाउन कर लीजिएगा नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त आसर उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्डमाला के प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं पंद्रहवें अक्षर के बाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा अब देखिए दोस्तों बाएं से पांचवां अक्षर है और दाएं से दोस्तों पंद्रहवां अक्षर है और दोस्तों फिर बाएं से आठवां अक्षर है अब देखिए दोस्तों इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों तो ट्वेंटी एल ट्वेंटी बन जाएगा एल में से एट को सप्टिक कर देंगे इसमें से इसको सप्टिक कर देंगे तो एल ट्वेल्व अब देखिए दोस्तों हमारा जो आंसर आया वो तेरह या तेरह से कम है तो चौदह में से घटा कर आंसर प्राप्त कर लेंगे चौदह में से घटा देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों दो इसका मतलब इस सवाल का राइट आंसर होगा बी इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों बी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है दोस्तों आज और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे अगर आप नहीं समझते समझ पा रहे हैं दोस्तों इसके लिए मेथड टू आपको बता दे रहे हैं आप कर सकते हैं देखिए दोस्तों यहाँ पे एम लिख लीजिए और यहाँ पे ए लिख लीजिए और यहाँ पे एम लिख लीजिए यहाँ पे जेड लिख लीजिए बाकी सेम जो सवाल कह रहा है इसी के अकॉर्डिंग काम कर लीजिए आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अब देखिए दोस्तों इसके पहले जो जस्ट पॉइंट बताएं उस पॉइंट को अगर आप पकड़ लेंगे तो ये अंग्रेजी वर्डमाला का प्रथम अध्यांश विपरीत बहुत आराम से कर लेंगे आपको कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत नहीं होगा एक बार देखिए दोस्तों आपको पॉइंट फिर से बता देते हैं दोस्तों साथी देखिए पॉइंट क्या है अगर हमारा आंसर तेरह या तेरह से कम आता है तो चौदह में से घटा कर आंसर प्राप्त करते हैं अगर हमारा देखिए दोस्तों ये पहला पॉइंट था अगर हमारा आंसर तेरह या तेरह से कम आएगा तो चौदह तो में से घटा कर आंसर प्राप्त करेंगे इसी में एक पॉइंट और ध्यान रखना है दोस्तों अगर हमारा आंसर तेरह या तेरह अगर हमारा आंसर तेरह से अधिक आए अगर हमारा आंसर तेरह से अधिक का है तो सेम वही आंसर लिखते हैं बस ये छोटा सा पॉइंट है इसको ध्यान रखिए अंग्रेजी वर्डमाला के प्रथम अध्यांश विपरीत पर जितने सवाल बनाए जाते हैं दोस्तों आप करने योग्य हो जाएंगे नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये आप सवाल समझ गए होंगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्डमाला के प्रथम अध्यांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से दसवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा अब देखिए दोस्तों ई एल si से कौन सा अक्षर दसवां और आर से कौन सा अक्षर दोस्तों दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों दो सेवेंटीन मिल जाएगा अब देखिए दोस्तों हमारा जो आंसर आया है वो तेरह से ज्यादा है अगर आपका आंसर तेरह से ज्यादा आता है तो सेम वही आंसर लिखते हैं इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्यू इस सवाल का राइट राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्यू अगर ये आंसर दोस्तों अगर हमारा आंसर तेरह या तेरह से कम आता है होता तो चौदह में से आंसर कर प्राप्त करते हैं लेकिन अब देखिए दोस्तों ये आंसर से ज्यादा तो है तो सेमसर यही आंसर लिख देंगे आसर उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ ही होंगे नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त देखिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्डमाला के प्रथम अध्यांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से बीसवें अक्षर के बाएं पंद्रहवां अक्षर कौन सा होगा तो देखिए दोस्तों पंद्रहवा इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों क्या मिल जाएगा थर्टी फाइव अब देखिए दोस्तों आपको ऑलरेडी पीछे बता चुके हैं देखिए दोस्तों अगर आप प्लीज़ डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले पार्ट वन को देखिए पार्ट टू को देखिए तब पार्ट थर्ड पे आइए दोस्तों तो आपको काम करना बहुत आसान होगा दोस्तों देखिए दोस्तों जब भी हमारा आंसर छब्बीस से ज़्यादा आता है तो पहले उसके मान को छब्बीस छब्बीस को घटाकर आंसर प्राप्त करना है दोस्तों एक चीज देखिए दोस्तों अगर हमें abcd लिखें तो यहाँ से जेड तक लिखेंगे तो 26 अक्षर बनेंगे तो 35 तो ऐसा कोई कोड ही नहीं है तो पहले घटा देंगे दोस्तों 26 तो क्या मिलेगा दोस्तों जब घटा देंगे दोस्तों 9 मिल जाएगा इसका मतलब अब भी देखिए दोस्तों आपका आंसर r9 आया तो r9 आया अब अगर अगर आपका दोस्तों में आंसर प्राप्त होता तो तो दोस्तों तो दोस्तो? तो दोस्तो तो 18, 18 दोस्तो. इतना हो गया दोस्तों एट्टीन हो गया अब देखिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों ये जो मान है ये तेरह से अधिक है इसका मतलब आर इसका राइट आंसर होगा इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों आर अगर देखिए दोस्तों ये जो हमारा 18 आया या अगर ये 13 या 13 से कम आता तो फिर 14 में से घटा के तब आंसर प्राप्त करते हैं तो देखिए दोस्तों 27 में से 9 को घटाएं तो क्या मिला 18 मिला इसका मतलब 18 पे क्या आता है इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों अगर आप मैट्रिक वन से सवाल को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको मैट्रिक टू बताते हैं दोस्तों तो देखिए दोस्तों मैट्रिक टू क्या अब देखिए दोस्तों सवाल कह रहा है अंग्रेजी वर्डमाला के प्रथम अध्यास विपरीत में दाएं से दाएं से बीसों अच्छे दाएं दाएं से इसका मतलब दोस्तों दाया इधर आएगा बीस वर्ष काउंट कर लेंगे दोस्तों तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी पे क्या मिला दोस्तों जी मिलेगा अब देखिए दोस्तों इस जी के हमको किधर जाना है तो इस जी के हमको जाना है दोस्तों बाएं बताइए दोस्तों इस अक्षर का बायां इधर होगा कि इधर होगा तो देखिए दोस्तों इस अक्षर का बायां इधर होगा कितना वर्ड जाना है दोस्तों 15 वर्ड तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 पे क्या मिला दोस्तों आर मिला इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों आर ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों अगर आप दोस्तों साथी मेथड मेट्रेड वन नहीं समझ पा रहे हैं तो मेट्रेड टू से सवाल को करने की कोशिश कीजिएगा एग्जाम हाल में वैसे रियल में दोस्तों इस तरह के सवाल को लगाने के लिए मेथड वन बहुत ही बेस्ट तरीका है दोस्तों इसमें आपको कुछ काम नहीं करना बस एक पॉइंट है इस पॉइंट को ध्यान में रखना है दोस्तों अगर दो पॉइंट है दोस्तों ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट अगर ये दो पॉइंट आप नोट डाउन कर लेते हैं दोस्तों आप एक फेयर बना के इस, इसको नोट डाउन कर लेते हैं और ये पॉइंट नोट डाउन करते हैं तो आपको दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों देखिए दोस्तों पहला पॉइंट क्या है अगर हमारा आंसर तेरह या तेरह से कम आए तो हमेशा चौदह में से घटाकर आंसर प्राप्त करते हैं अगर हमारा आंसर तेरह से अधिक आएगा तो सेम वही आंसर लिख देंगे कोई प्रॉब्लम या कोई चेंजिंग नहीं करेंगे और देखिए दोस्तों ये छब्बीस घटाने या सत्ताईस घटाने वाला काम आपको पार्ट वन में बता चुके हैं दोस्तों पार्ट वन में ये सब चीज़ें आपको बता चुके हैं ऑलरेडी तो इसके बारे में आपको दोस्तों चर्चा नहीं करते हैं देखिए दोस्तों थोड़ा सा चर्चा कर भी देते हैं अगर हमारा आंसर 26 से ज़्यादा आ जाए दोस्तों कभी भी अगर हमारा आंसर 26 से ज़्यादा आ जाए तो 26 घटा कर एंसर प्राप्त करेंगे दोस्तों तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 35 आ गया ए बी सी डी अगर हम लिखते हैं दोस्तों तो 26 वर्ड है तो 35 वर्ड तो होगा नहीं इसलिए 35 में से 26 को निकाल दिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आर था इसलिए आर में आंसर प्राप्त हुआ आर नॉ और जब भी दोस्तों हमारा आंसर आर में प्राप्त होगा तो उसको सत्ताईस में से घटा कर रियल में बदलेंगे अब देखिए दोस्तों आर में के मान को घटा दिए तो एल में बदला ए एल का मान अट्ठारह ई एल मतलब अब देखिए ये मान चौदह से तेरह से ज्यादा है तो इसका राइट आंसर आर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एट सॉल्व का आंसर हो जाएगा अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आर नाई आया है ना आप यहाँ से भी आंसर दे सकते हैं हम मान को घटा कर एल में क्यों बदलते हैं क्योंकि दोस्तों हमको कोड याद हो गया बहुत अच्छे से याद है अगर आपको भी दोस्तों अगर कोड में दिक्कत है तो प्लीज़ पार्ट वन को देखें आपको भी कोड बहुत अच्छे से याद हो जाएगा हम देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको आंसर क्या क्या प्राप्त हुआ आंसर हमको प्राप्त हुआ आर नाइन अगर हम सत्ताईस में से नहीं घटाना चाहते हैं ना तो फिर आपको ए बी सी डी लिखना पड़ेगा दोस्तों और लिख कर यहाँ से हमको नवा वर्ड काउंट करना है इस वाले पोजीशन से दाहिने देखिए ये ए बी सी डी ऐसे लिखी है तधर दाहना बनता है दोस्तों हमको नौ वर्ड जाना है तो देखिए दोस्तों वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन पे क्या मिला दोस्तों आर मिला या तो आप यही आंसर देना चाहते हैं आर देना बदल लेंगे तो आपका आंसर उधर से मिल जाएगा तो आप आराम से देने योग्य यो हो जाएंगे अगर यही आंसर हमारा तेरह या तेरह से ज्यादा तेरह या तेरह से कम तो अच्छा चौदह में से घटा कर आंसर देते हैं आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल समझाने से आप इस तरह के

उसके बाद दोस्तों देखिए दोस्तों कह रहा है दाएं दाएं से दोस्तों दसवाँ और फिर दोस्तों दाएं से पांचवां इसका मतलब आर से फाइव इन दोनों को दोस्तों जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों तो ईयल मिल जाएगा ट्वेंटी फाइव और देखिए दोस्तों आर फाइव अब देखिए दोस्तों फिर जोड़ देंगे तो यल कितना मिल जाएगा दोस्तों तो थर्टी मिल जाएगा अब देखिए दोस्तों हमारा मान छब्बीस से ज़्यादा है तो छब्बीस को घटा लेंगे दोस्तों तो यल कितना मिलेगा दोस्तों जब घटाएंगे तो यल फोर मिल जाएगा दोस्तों ईयरफोर अब देखिए दोस्तों जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ है वो तेरह से कम है इस इसके मान को चौदह में से घटा लेंगे दोस्तों इसके मान को चौदह में से घटा लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा तो चौदह में से घटाएंगे क्या मिलेगा दोस्तों टेन मिलेगा टेन का मतलब होता है दोस्तों जे इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों जे ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों अब देखिए दोस्तों काम के क्या करेंगे पहले इसको जोड़ देंगे फिर ये बनेगा फिर इसको जोड़ देंगे ये बनेगा अब देखिए दोस्तों हमारा आंसर तीस से ज़्यादा आया है तो सॉरी छब्बीस से ज़्यादा आए तो छब्बीस के मान को घटा देंगे तो जब छब्बीस को मान को घटा देंगे तो ये चार मिलेगा अब जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ है दोस्तों वो तेरह या तेरह से कम है तो चौदह में से घटा के तब आंसर प्राप्त करेंगे तो चौदह में से घटा देंगे टेन आएगा टेन का मतलब होता है जेज इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आज और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गएंगे तो देखिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें